हाय गाइस, मुझे बहुत डर, आज मैं खेलने वाला हूँ गोस्ट चैलेंज। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि, पर मुझे डर नहीं है क्योंकि मेरे साथ दोस्त है। पर मैं अभी मेरा फेस रिवील नहीं कर सकता इन गेम पर, मूवी पर। चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। स्टार्ट करो, स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। डर ना, Ghost 4. So this is Ghost 4. Faster, kya kar raha yaar? क्या खिड़की से उसको ये डूइंग मिला पास्टर को? अबे यार, बहुत सीन है। अबे देखो, यहाँ पर गाड़ी जिस जा रहा है ना, बहुत अच्छा सीन है ना। थोड़ी बात देखो कितना हो रहा होगा। कब्रिस्तान में यार बुद्धू इंसान है ऐसे कब्रिस्तान में आने वाला। कब्रिस्तान, वाओ, क्या अमेजिंग जगह है यार। इसमें अमेजिंग क्या है यू इडियट? वो देखने के लिए आंख चाहिए और ब्रेन भी, और वो दोनों तुम्हारे पास नहीं है। और इसमें तुम्हारा कसूर भी नहीं है क्योंकि मॉडल्स के पास इन दोनों चीजों की कमी होती है। सैम, स्टॉप टीजिंग हर। और ये था तुम्हारा परफेक्ट फार्म हाउस कब्रिस्तान। मुझे क्या पता था? अब पता चला किराया इतना कम क्यों है। कभी ना दिमाग भी इस्तेमाल कर। किताबी कीड़े यार, मुझे तो यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको प्रॉब्लम है वो वापस चला जाए। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। इसको इन लोगों को भाग रहे हैं कब्रिस्तान के नजदीक सोएंगे यार। मैं होगा तो ना चटनी पहन कर भाग जाऊंगा यार। भूत का नाम तक नहीं लूंगा। इस कब्रिस्तान के नजदीक जा रहे हैं। मैं होता ना चप्पल फाड़ कर भाग जाता। क्या हुआ मिशाल? नहीं कुछ नहीं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। मैं समझ सकता हूँ। क्या? यही के छोटा सा तो तुम्हारा दिमाग है, आई होगी तुम्हें क्या याद रहना है। उफ, सैम, स्टूपिड। नॉट बैड। लेकिन लग रहा है बहुत अच्छे से बंद पड़ी हुई है। लेकिन हमें क्या यार, हमारे लिए तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों मिशाल? हाँ, नाइस है। ओके गाइस, लेट्स सेट द रूल्स। सब सफाई का ख्याल रखेंगे और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। काफी अजीब सी फीलिंग है ना, कितनी खामोशी है। हाँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है शहर से दूर। सुकून मिलता है और सोचने का वक्त भी, और तुम्हें पता है बहुत सी बातों के जवाब भी मिल जाते हैं। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। देखो, पता है, सिवाय सैम के हम सबके ड्रीम्स हैं। आमिर फैशन फोटोग्राफर, मैं टॉप मॉडल, और फिर हम शादी कर लेंगे। परफेक्ट। हाँ हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। ये दोनों तो सो रहे हैं यार। एक तो कैमरा खींच रहा है, एक कैमरा, एक तो ये सो रहा है। थैंक यू मोटे गोली। अब क्या तकलीफ है? तूने यहाँ तो हर वक्त कोई किताब पढ़ते रहना है या कोई फजूल सी पेंटिंग बना लेगा जो कि 10 साल का बच्चा भी बना ले।
और मिस्टर फोटोग्राफर या किसी दरख्त की फोटो ले रहे होंगे या फिर मशाल की, नहीं तो क्या तेरी तस्वीरें खींचूं। एनीवेज कल रात यहाँ से थोड़ा दूर मेरे दोस्त के फार्म हाउस पे पार्टी है, क्या सीन है सैम? तूने जिंदगी में पार्टी के अलावा कुछ करना है? मैं तो कल रात पार्टी में जा रहा हूँ, तुम लोगों ने आना हो तो आ जाना। ठीक है, वो लड़का अपने दोस्त के साथ कल रात है वो फार्म हाउस में, तो देखते हैं नेक्स्ट सीन। रात हो गया यार, बहुत हॉरर मूवी लगता है। बहुत बकवास सैम, वैसे कोई काम तो होगा जो तो चाहता होगा। हाँ आता है ना, आई एंजॉय माय लाइफ, तुम लोग की तरह जिंदगी। सैम यू नीड टू ग्रो अप एंड यू नीड टू लूजन अप ब्यूटीफुल। यार यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, और वो भी 8 किलोमीटर दूर, और ये फार्म हाउस के सामने कब्रिस्तान क्यों है? हमने कौन सा हमेशा यहाँ रहना है, जब भी बेटर ऑप्शन मिलेगी वेयर आउट। लेकिन आमिर यहाँ तो फोन के सिग्नल भी नहीं आ रहे। यहाँ तो फोन के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे, तुम्हें किसने फोन करना है? चलो सॉरी गाइस, मैंने गलती से दबा दिया था।